अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ अल्लाह पाक करे जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सारी अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ दे। कराची में बहुत नुकसान हो गई है, इसलिए बारिश की वजह से कराची में क्या बहुत सारी शहरों में बहुत सारी नुकसान हुई है। अल्लाह पाक करे कि सबके नुकसान है, अल्लाह पाक जो है तफी करे कि सबके नुकसान पूरी हो जाए, अल्लाह पाक जो है सबकी मदद फरमाएँ, तो उसमें जो है उसकी सदक़े में हमारी भी मदद फरमाए अल्लाह पाक। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप लोग भी जहाँ भी रहें सही सलामत रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाज़त में रखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा आप लोगों से, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए जो नए हैं ताकि मेरी वीडियो जो है नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। चले ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज हानिया रैम को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। दुआ मांगिएगा आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें और अल्लाह पाक करें कि मेरे बेटे की जो है पाँव की सही सही बताएं कि ठीक हो गए, प्लास्टर कट जाए। बस आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहें, बाहर निकलते हैं। चलो रैम को दिखाती हूँ, रैम इधर आई उधर। रैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, रैन बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि पहले भी उसकी हड्डी मड्डी पे वो किया था, तो इसलिए ये रैन है जा रहे हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि हमें भी जाना है, लेकिन इनको नहीं लेके जा सकती, हॉस्पिटल है। पहले भी लेके गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। चलो मिलते हैं फिर। कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, कल या परसों, कल और परसों की एक ब्लॉग था मेरी। दो दिन तक मैंने मेहनत की है बारिशों की, यानी कि बच्चों की नहाने की, मेरी डैडी की, यानी कि बाहर की सारे मेरी ब्लॉग जो है मेरे से डिलीट हो गई है। मुझे रात को इतनी परेशानी हो रही थी, उसको मैंने इतनी मेहनत से एडिट किया है सबको, यानी कि ये बहुत काफ़ी मेहनत होती है, तो मैंने किया था, मेरे से ही डिलीट हो गई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं रात को भी यानी कि काफ़ी देर तक रोती रह गई। चलो कोई बात नहीं, जो होना होता है वो हो जाता है। चलो नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ चलते हैं रयान को लेके हॉस्पिटल। मैं बच्चों की ख्याल करना बाहर, चलो चलते हैं बाहर चल। ये देखें बाहर निकलना देखे भी बस आ गए हम लोग हॉस्पिटल फाइनली। बस रयान भी उतर रहा है, ये एंट्री है, ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा जहाँ से एम्बुलेंस जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ मांगिएगा रयान को सही सही, अल्लाह पाक करे अच्छा रिज़ल्ट आए, कोई अच्छी अच्छी बात करे कि हड्डी जुड़ गई है। एंट्री है, बस जा ही रहे हैं हम लोग। ये देखें हो गई, अब देखें व्यूअर्स रश बहुत है, अब देखें क्या होता है। टोकन लेने के लिए गए हुए अभी तो। चलो व्यूअर्स बाद में मिलते हैं, अभी तो बहुत रश है, अभी तो बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। बैठे हुए रयान भी बैठा हुआ है और मैं भी बैठी हूँ, और जो एक फ़ाइल थी यानी कि जिसको एडमिट जो किया था, वो जो फाइल था फाइल गुम हो गए, पता नहीं ऐसे ने इधर ही, यानी कि लास्ट टाइम मैंने ऐसे को इधर ही दे दिया था कि पता नहीं क्या ऐसे ने इधर छोड़ दिया था या घर में गुम हुआ, पता नहीं मिल नहीं रहा है। अभी ऐसे घर गए हुए फाइल देखने के लिए, पता नहीं अल्लाह पाक करे मिल जाए, मुश्किल ही लग रहा है कि मुझे मिले। अभी कॉल की थी तो हानिया कह रही है नहीं मिली, मिल जाए अल्लाह पाक करे। मैं जा रहा है भगवान को, अल्लाह पाक करे बस खैर खैरियत से एक्सरे हो जाए इसकी, और अल्लाह पाक करे मेरे मौला करीम करे किसी चीज़ की ऐब ना हो, बस सही ठीक ठाक हो जाए मेरे बेटा। ये
और बारिश स्टार्ट हो गई है। बस निकल गए हम लोग, अभी बस बाइक पे बैठ रहे हैं। बारिश देखें बूंदाबांदी शुरू हो गए। ये बस निकल रहे हैं हम लोग, आज 26 तारीख है, सही है ना, आज 26 तारीख। ये देखिए पानी गंदगी, ये देखें बारिशों की पानी ख़त्म होके नहीं दे रही, ये देखें कितनी गंदगी हो रही है। ये देखें इतना ख़तरनाक तरीके से काटा है कि बच्चे की खून निकल गए, ड्रिल मशीन से ऐसे काटा है। ये देखें तो पता नहीं चला बेटियो, नहीं इसने खुजाया बहुत बुरी तरीके से। ये देखें अभी अभी आई हूँ हॉस्पिटल में, काफ़ी देर से गई हुई थी, मैं गई हुई थी, कब की गई हुई थी, 6 बजे की गई हुई थी, 7 बजे की गई हुई थी। अभी टाइम क्या हो रहा है, 10 बजे, 7 बजे की गई हुई थी, 10 बजे। इवाने थे उधर गए थे, ये इसकी एक्सरे दिखाना हानिया करीब से, ये इसकी आज की एक्सरे है रयान की, अभी सही हुआ नहीं है, और ये आधा यानी कि घुटना खोल दिया, ये इधर तक काट दिया, वो है अभी अभी 15 दिन बाद, यानी कि 2 हफ्ते 15 दिन बाद बुलाया, 2 हफ्ते बाद बुलाया, 2 हफ्ते बाद जाएंगे। मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द रहने लगा बहुत ज़्यादा, ये हड्डी की मसले से पता नहीं क्या मसला है, हाथ में भी मेरे बहुत दर्द रहने लगा। प्लीज़ मेरी चैनल को आप लोग जो है मुझे कोऑपरेट करें मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अच्छे